हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं भादलपुर का आशीष चैनल। नज़ारा देखकर ही आपको लग रहा होगा कि आज मैं किसी बेहतरीन जगह पर हूँ। तो आइए आपको बता दूं कि ये है संजय गांधी नेशनल पार्क। जी हाँ, संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। यहाँ पर मैं हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लजीज खाने की चीज़ें भी बेची जा रही है और काफ़ी बेहतरीन लग रहा है ये। और साथ ही साथ जो है, मैं यहाँ पर इसको आगे की तरफ ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि और क्या कुछ यहाँ पर देखने लायक है। वास्तव में मैं यहाँ पर बोटिंग करने वाला था, बोटिंग करने की चाह रख रहा था, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी और मैं थोड़ा लेट हो गया। लगभग 15 से 20 मिनट अगर मैं पहले आया होता तो शायद मुझे यहाँ पर बोटिंग करने मिल जाता। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहले से बोटिंग कर रहे हैं उनको अभी भी यहाँ पर बोटिंग करने का मौका मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरफ हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं मुंबई पहली बार तो आप इन जगहों पर आ सकते हैं, संजय नेशनल पार्क और एक्चुअली संजय गांधी नेशनल पार्क है शायद, और मरीन ड्राइव है, जुहू बीच है, कुछ कुछ ऐसी जगह है यहाँ पर जो सच में बहुत ही मशहूर है और बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर मैं जो है आपको दिखाता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है ये। और वास्तव में कहूँ तो मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश था कि मुझे आज यहाँ पर बोटिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आने के बाद भी मुझे ये मौका नहीं मिल पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं बोटिंग को और अच्छा नज़ारा है, बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पर सूर्यास्त होने वाला है, समय है लगभग, मैं आपको समय बता देता हूँ, अभी हो रहा है 5:43, और चूँकि 5 बजे के आसपास जो है ये बंद हो जाता है, मोस्टली जितने भी यहाँ पर स्पोर्ट्स हैं वो 5 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि आप ध्यान रखें समय का, विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर 2 बजे के आसपास आ सकते हैं तो आप सारी चीज़ें, सारी जगह को अच्छे से देख पाएंगे और साथ ही साथ घूम पाएंगे। यहाँ का सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जगह है और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है ये जगह। मैंने जो अपने वीडियो की क्वालिटी है उसको 720p पर कर रखा है, 4K अल्ट्रा HD नहीं किया है क्योंकि उससे मेरा जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है, जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। मेरे फ़ोन में अभी मेमोरी की थोड़ी कमी है, स्टोरेज की थोड़ी कमी है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं जो है जूम कर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का जो है यहाँ पर नज़ारा है। और इस तरफ जो है एग्ज़िट पॉइंट है और मैं इस तरफ से मैंने एंट्री ली है। तो मैं बाइक से आया हूँ यहाँ पर और अच्छा लग रहा है मुझे। खैर, हम लोग जो हैं, मैं तो बादलपुर से हूँ तो बादलपुर इससे कम नहीं है। बादलपुर में भी बहुत सारे प्राकृतिक नज़ारे हैं, वहाँ पर भी देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, उसके बारे में पहले बताया भी है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों में आपको मैंने दिखाया है उस जगह की सुंदरता के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बादलपुर के आशीष को और साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज जो कि इसी नाम से है, बादलपुर का आशीष। थैंक यू सो मच।